चलिए आइए इसे भी शुरू करते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर उपचुनाव के चलते हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। 28-29 अक्टूबर को होने वाली हड़ताल स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने ये बड़ा फैसला लिया है। 22 अक्टूबर को कर्मचारी सौंपेंगे ज्ञापन। बड़ी खबर भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं कि उपचुनाव के चलते अब कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित कर दी गई है। अब कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलभूषण लगातार जुड़े हुए। कुलभूषण, अब कर्मचारी हड़ताल नहीं कर पाएंगे, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, विधानसभा सीट और एक लोकसभा सीट का उपचुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में कर्मचारी वर्ग लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा था और अपनी मांगों को लेकर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में था, लेकिन ऐसी स्थिति में सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया है और अब कर्मचारी और जो अधिकारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लगातार जो है कर्मचारी अपने मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और इसका असर जो है उपचुनाव की सीटों पर भी पड़ सकता था, जिसकी वजह से अब प्रशासन और सरकार ने यह फैसला लिया। जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।